पंजाब की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को ये झाड़ू से झाड़ कर खत्म कर दिया है भ्रष्टाचारी पार्टियों को। उसके बाद हमारा निशाना है गुलबर्गा नॉर्थ, जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार उमड़ रहा है। श्री केजरीवाल की सरकार जिसने दिल्ली में मॉडल स्कूल बनाए, हेल्थ क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री दी, पानी फ्री कराए, अवाम से हाथ जोड़कर गुजारिश है कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद दरगाह फलाव उलाव निकाल के झगड़ा लगा के सियासत करते। आज आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं, सारे भारत के 135 करोड़ भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए एक खुशी का मौका है, एक टर्निंग पॉइंट है, एक चेंज है। आज पंजाब के लोग हमारी सरकार दिल्ली में, श्री केजरीवाल की सरकार जिसने दिल्ली में मॉडल स्कूल बनाए, हेल्थ क्लिनिक बनाए, बिजली फ्री दी, पानी फ्री कराए, ट्रांसपोर्टेशन लेडीज के लिए सिटी बस फ्री करे, ऐसे हजारों काम करे केजरीवाल जी, और सारी दुनिया में मिसाल है आज दिल्ली। दिल्ली सारी दुनिया में मिसाल है, हर कोने में हर जगह महिला की सुरक्षा है, महिला की सुरक्षा है, हर जगह सीसी कैमरे आई, ऐसा इंतजाम वर्ल्ड में कोई सिटी नहीं है, वाशिंगटन में नहीं है, लंदन में नहीं है, पेरिस में नहीं है, कहीं नहीं है, हिंदुस्तान के दिल्ली में है। वो किसने किया? केजरीवाल ने किया। आज सारा देश केजरीवाल की तरफ देख रहा है, हर आम आदमी केजरीवाल की तरफ देख रहा है। उसका नतीजा है आज पंजाब के लोगों ने मिसाल कायम किया और उसका जवाब दिया केजरीवाल जी का, आपके काम के साथ, आपके डेवलपमेंट के साथ, आपके महिला जो प्रोग्रेस है उसके साथ, स्कूल के साथ, बच्चों के एजुकेशन के साथ हम हैं बोल के आज जनता ने, पंजाब की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को ये झाड़ू से झाड़ कर खत्म कर दिया है भ्रष्टाचारी पार्टियों को। 92 सीट्स आज हम जीत रहे हैं, ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है। 90% सीट्स जो है ना आम आदमी जीती है, ये मामूली बात नहीं। दिल्ली हुआ, पंजाब अब हो गया, चाहे पंजाब में हमारे भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर की ओथ लेंगे दो दिन, उस दिन भारत के लिए सुनहरा दिन होगा। उसके बाद हमारा निशाना है कर्नाटक, उसके बाद हमारा निशाना है गुलबर्गा, उसके बाद हमारा निशाना है गुलबर्गा नॉर्थ, जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार उमड़ रहा है। किसी को हर आदमी को तकलीफ है, बेसिक एमिनिटीज की तकलीफ है, पानी की तकलीफ, लाइट की तकलीफ, रोड की तकलीफ, हर चीज की तकलीफ, जिधर देखो उधर अंधेरा है। सरकारी स्कूलों की तो हाल का बेहाल हुआ है। हमारे गुलबर्गा की आवाम, कर्नाटका की आवाम, 90% उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, साल के एक बच्चे की फीस 1 लाख से 2 लाख होती है,
अगर आम आदमी पार्टी कर्नाटका में आएगी तो फ्री एजुकेशन करेंगे। दिल्ली में जो एजुकेशन है वैसा एजुकेशन हम यहाँ कर्नाटका में करेंगे। कर्नाटका में तमाम स्कूल को अपग्रेड करेंगे, दिल्ली का मॉडल बनाएंगे। जैसा कि आज दिल्ली में करोड़पति का बेटा भी ये समझ रहा है, करोड़पति भी ये समझ रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है वो कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं है। आज दिल्ली में इतना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, वो एजुकेशन आज पंजाब के बच्चों को मिलेगा, वो एजुकेशन पंजाब के पेरेंट्स के बच्चों को मिलेगा, वो एजुकेशन हमारे कर्नाटका में हम दिलाएंगे। हम दिलाने के लिए अवाम से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद दरगाह फलां उलाव निकाल के झगड़ा लगा के सियासत करते। हम झगड़ा लगा के सियासत नहीं करते, हम आपकी खिदमत करके सियासत करते, हम आपको फायदा पहुंचा कर सियासत करते। हमारी सियासत हमारे लिए नहीं है, हमारी सियासत आपके लिए है। हमारी सियासत केजरीवाल जी के लिए नहीं, हमारी सियासत आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए है। हमारी सियासत ऑटो ड्राइवर के लिए है, हमारी सियासत गरीब मजदूर के लिए है, हमारी सियासत हर व्यापारी के साथ है। देखिए आज बीजेपी सरकार के हुकूमत में कितने छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, व्यापारी परेशान है। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में कोई परेशान नहीं है, उसके बाद पंजाब में कोई परेशान नहीं होगा, उसके बाद आप सपोर्ट देंगे तो कर्नाटक में कोई परेशान नहीं होगा। हर आदमी के परेशानी को हम आम आदमी पार्टी दूर करेंगे। हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में तमाम नौ कॉन्स्टिट्यूशन में MLA दे रहे हैं, नॉर्थ में, साउथ में, रूरल में, आणंद, अफजलपुर, जेवर की तमाम जगह दे रहे हैं हम। तो आवाम से होशियार हो जाओ, अभी टाइम है एक साल का, मुत्तहिद हो जाओ। आज गुलबर्गे के अवाम को, खासकर नॉर्थ और साउथ के अवाम को मैं अपील करता हूँ, आप सोचिए आपको क्या मिल रहा है। आपको बीजेपी के नाम से डरा कर वोट लिया जा रहा है, आपको कांग्रेस के नाम से, जो हिंदुओं को कहते हैं कांग्रेस से ऐसा कर रही, मुसलमानों को कहते हैं बीजेपी से डरो, हमको दोनों को डरा के वोट ले रहे हैं। हम डरा के वोट नहीं लेते, आम आदमी पार्टी आपकी खिदमत करके लेते हैं। इंशाल्लाह आप हमारा साथ देंगे तो आपके बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। इवतन दिवस ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಇದೆ, ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಜಯ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಪಂಜಾಬ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ, 92 ಸೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಜಯ ಆಚರಣೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾತಿಯ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಮತ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಬಾವುಟ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ। ಅದೇ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪಂಥದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ। ನಮಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಏ ಹಮಾರೇ ಲಿಯೆ ಖುಷಿ ಕಾ ಮೌಕಾ ಹೈ ಕೆ ಯೇ ಜೀತ್ जो पंजाब में हमको मिली है 92 सीटों से, ये दरअसल जीत आम आदमी की जीत है। और ये उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जीत गुलबर्गा कर्नाटका में भी ये जीत दोहराई जाए, और उम्मीद करता हूँ कि जो है जो राजनीति है वो हो, वो डेवलपमेंट की राजनीति हो, ना कि नफरत की। इडी देश के वंदु सी सुद्दी इवत्तु पंजाब नल्ली नावु वंदु ऐतिहासिक गेलुवन्नु साधिसिद्देवे। ಇವತ್ತು ಪಂಜಾಬದ ಜನತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, 70 ವರ್ಷದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ರಾಜನೀತಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು। ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ।